दोस्तों ऊपर देखिए रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल इन परिवार पहचान पत्रा पीपीपी। यहाँ पर आपका जो है बैंक की डिटेल आप वेरीफाई करवा सकते हैं। ऑप्शन आ चुका है सरल के ऊपर, नो प्रॉब्लम, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, आप शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, भाई बहनों में, सभी जगह पर। और दोस्तों चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सरल की आईडी पर जैसे ही लॉगिन होंगे, ऊपर देखिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट से आपने नीचे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, सर्च बार में आप परिवार लिखेंगे तो आपको एक ही सर्विस नज़र आएगी, रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट इन परिवार पहचान पत्रा पीपीपी। यानी कि दोस्तों परिवार पहचान पत्र के जो बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन आप किस प्रकार करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पर आपको पता है कि परिवार पहचान पत्र संख्या यस करना है और आपने यहां पर आपका फैमिली आईडी नंबर डाल देना है। चलिए हमने डाल दिया है, क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा, इस पर आपने क्लिक करना है। आपके जितने भी मेंबर होंगे यहाँ से आपने मेंबर को चूज़ कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर मुखिया का ज़रूर चूज़ कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके तेल वगैरह के पैसे आपके तभी आएंगे अगर आपका खाता वेरीफाई होगा। उसके बाद आपका ओटीपी का ऑप्शन देखे, इन्होंने पहले ही दे रखा है भेजने से पहले, तो हम यहाँ पर मेंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, जिसकी हम वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं खाते की, अकाउंट की। तो आप यहां पर मुखिया को सिलेक्ट कीजिएगा जो राशन कार्ड में है, उसको भी आप कर लीजिएगा, और जो आपकी फैमिली आईडी में मुखिया है उसका भी आप वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके दोनों खाते वेरीफाई होना ज़रूरी हैं। अगर आपको वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो आप ज़रूर करवा सकते हैं खाते की वेरिफिकेशन। उसके बाद आप गेट ओटीपी करेंगे, देखिए ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल पर चला जाएगा, आपने नीचे फिल कर देना है और क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी। यहां पर क्लिक करते हैं तो देखिए ओटीपी हमारा वेरीफाइड स्टेटस सक्सेसफुल आ चुका है और रिकॉर्ड भी मैच हो चुका है, ओके कर देना है। नीचे आपकी डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ पर दोस्तों आपकी बैंक की डिटेल है जो आपने परिवार पहचान पत्र में दी है, तो आपने एक बार चेकआउट करना है। अब यहाँ पर परिवार पहचान पत्र से ही हम अपडेट कर सकते हैं बैंक खाते को, आपको पता है। तो डिपार्टमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा जो भी आपको दिखाई दे रहा है सेम आपने डाल देना है। और नीचे हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चेंज करने के लिए परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देना है। सारी डिटेल उठा लेगा, आपने चेकिंग करना है कर सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि जो भी डाटा उठाता है आपका सारा फैमिली आईडी से उठाता है। उसके बाद फिर से आपने सबमिट करना है दोस्तों। बस दोस्तों इतना सा काम था, आपकी जो वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट है वह सक्सेसफुल आपका हो चुकी है और आपको एक सरल आईडी नंबर मिल चुका है, जो कि आप सर्विसेज यहां पर देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है। तो दोस्तों आपके तेल के पैसे हों, योजना के पैसे हों, किसी भी बीपीएल को, जितने भी एएवाई को, जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी योजनाएं आगे आगे आएंगी, उन सभी का फ़ायदा आपको वेरीफाइड अकाउंट से ही होगा, अदरवाइज़ आपके खाते में पैसा आने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों आज ही अपने खाते को वेरीफाई करवाइए, नया ऑप्शन है बिल्कुल सरल पे आ चुका है। हमने पहले भी आपके लिए वीडियो बनाई थी कि आपका जो ऑप्शन है वो आ चुका है, बट दोस्तों इस चैनल पे हमने डाली नहीं थी कि किस प्रकार आप वेरीफाई करवा सकते हैं, तो आज हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर देना वीडियो को,
और दोस्तों अंत में आपको ये एक वीडियो नज़र आ रही है। अगर आप सीनियर सिटीजन बस पास बनाना चाहते हैं तो आप यहां से इस वीडियो को अंत में इस वीडियो को देखकर बस पास बना सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है किस प्रकार आप बस पास बना सकते हैं। दोस्तों ट्रैक करने के लिए यहाँ पर सरल आईडी है, आप इससे ट्रैक कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों कोई भी मन में सवाल है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक नई अपडेट, नई धमाकेदार वीडियो के साथ।